अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो कि अहम सवाल है जो आपके स्क्रीन पे है, और हमें देखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सवाल जो देख पा रहे हो, दरअसल ये सवाल हर जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर में पूछे जा सकते हैं। सवाल क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। यदि ए इज टू बी, यानी ए अनुपात बी जो है वो 5:7 है, 5:7 है, तो मेरे को मालूम करना है 5a+6b इज टू 7a+7b का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 11:7, 7:11, थर्ड ऑप्शन है 8:13 और लास्ट ऑप्शन है 6:11। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा। जरा गौर फरमाइएगा, आपके सामने जो सवाल दे रहा है गिवन में, a इज टू b इक्वल 5:7, यही ना है, तो मेरे को मालूम करना है इतना का रेशियो। तो आप हमें जरा एक बात बताओ, अगर a इज टू b का वैल्यू मेरे को 5:7 दे रहा है, तो क्या मैं यहां पर इस सवाल को क्या ऐसे लिख सकता हूं, a बाई बी इक्वल 5:7। आप बचपन से जानते आ रहे हो, अगर x इज टू y है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बाई वाई। उसी तरीके से a इज टू b इक्वल 5:7 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a बाई बी इक्वल 5:7, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए, हमें मालूम करना है 5a+6b अनुपात 7a+7b का वैल्यू। आप हमें बताओ जरा, काश हमें अगर a और b का वैल्यू अगर मालूम हो जाता, तो यहां पे पुट करने के बाद दोनों का रेशियो निकाल सकते थे। यानी आपके जिंदगी का मकसद अब यहां पे क्या है कि इससे आपको a और b फाइंड करना। कहोगे कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे a बाई बी इक्वल 5:7 है, तो आप हमें बताओ क्या इस पूरे टर्म को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं। गौर फरमाइएगा, a बाई 5 इक्वल b बाई 7, हाँ या ना। जरा देखिए, हमने क्या किया कि a बाई बी इक्वल 5:7 है, तो मैंने 5 को यहां ले आया और b को मैंने यहां ले आया, यानी a बाई 5 इक्वल b बाई 7, कोई दिक्कत परेशानी ना। अब क्या करिएगा, इसके इक्वल टू में x मान लीजिए, माना ठीक है, से a बाई 5 इक्वल b बाई 7 इक्वल। अब बताओ इतना का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है बच्चा कि ये x के इक्वल होगा और ये x के इक्वल होगा, मतलब दोनों आपस में x के इक्वल होगा, x कोई कांस्टेंट है। तो अब हमें जरा बताओ क्या इसको ऐसा लिख दूं मैं, a बाई 5 इक्वल x, तो आप यहां से a का वैल्यू निकालोगे 5x आ जाएगा, हाँ या ना। फिर उसके बाद b बाई 7 इक्वल x, तो b निकालोगे क्या आएगा, b इक्वल 7x, यानी a आ गया मेरे को 5x, b आया क्या 7x। मैंने अभी क्या कहा था, मैंने कहा था कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए, मतलब 5a+6b अनुपात 7a+7b का वैल्यू हमें जो फाइंड करना है, इसमें मैंने अभी कहा कि आपको यह समझना है कि a और b कैसे आएगा। अगर आप a और b फाइंड कर लेते हो, तो फाइंड करने के बाद आराम से, प्यार से, शिद्दत से इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद कुछ कट्टम कुट्टम होगा, रिजल्ट आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए मैं बना कैसे रहा हूं, इतनी सी बात सही है। अब हमें समझना है, हमें जो फाइंड करना है उस पर तवज्जो देना है। फाइंड क्या करना है हमें, 5a+6b इज टू का मतलब होता है बाई 7a+7b, हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल। अब क्या करो, यहां पे a है, तो a का वैल्यू क्या है 5x, तो 5 × 5x हो जाएगा, प्लस 6 × b कितना है, b 7x है, तो यहां 7x हो गया, बाई 7 × a कितना है 5x, प्लस 7 × b कितना है 7x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ मुझे 5 × 5 क्या होगा, 25x, प्लस 7 × 6 = 42x, बाई 7 × 5 = 35x, प्लस 7 × 7 = 49x। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप खुद सोच रहे हो क्या करने वाले हैं, इसको प्लस करेंगे, तो 5 × 2 = 7 और 4 × 2 = 6, यानी 67x, बाई 9 × 5 = 14, 4 × 1 = 4 × 3 = 7 = 8, यानी 67x बाई 84x आया मेरे को। अब आप जरा सोचो, x से x कैंसिल हो गया, क्या आया हमें 67/84, और 67/84 जो आया यहां पे, ऑप्शन तो हमारा लग रहा है कुछ आ नहीं रहा भाई,
कुछ तो गड़बड़ है। आपके सामने जो आया 67/84 ये आपका आंसर सही है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा हुआ है ना, मैंने उल्टा ऑप्शन लिया। ऑप्शन पहला था यहाँ पे 37:32, ये ऑप्शन था पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन था 43:79। थर्ड ऑप्शन था आपका 65:62, आपका 82। और लास्ट ऑप्शन था आपका 67:84। ये चार ऑप्शन था। और ये बुक मैं बता दूं, ये किरण पब्लिकेशन का, इसमें से मैंने सवाल बनाया है। अब आप देख सकते हो कि आपको क्या आया 67/84, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये हमारा आंसर होता है। आई होप की बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।